हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। दोस्तों, आप सब ने तांडव वेब सीरीज जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर 15 जनवरी से स्ट्रीम होने वाली है, उसका ट्रेलर तो देखा ही होगा। और अगर ट्रेलर देखा है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको वो ट्रेलर पसंद नहीं आया हो। इनफैक्ट पसंद नहीं आया तो बहुत छोटी बात है, यू मस्ट हैव फॉलन इन लव विद द ट्रेलर, आई एम सो श्योर। तो आज हमारे साथ है तांडव के दो पिलर्स, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अली अब्बास जफर एंड प्रोड्यूसर हिमांशु मेहरा। लेट्स वेलकम द ड्यूओ। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू अली, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आप अगर नहीं जानते हैं तो अली अब्बास जफर ने हाल ही में शादी की है, देहरादून में उनका घर है और उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके साथ शादी की। ये बड़े छुपे रुस्तम है, गर्लफ्रेंड की बात किसी को खबर भी नहीं होने दी। गर्लफ्रेंड मत बोलिए, आप बेगम साहिबा बोलिए सर। यस गर्लफ्रेंड जब तक थी तब तक छुपाए रखा, अब बेगम साहिबा बन गई है इसलिए अब सबको पता चला है। लेकिन आप सबको पता चला है कि अब होगा तांडव। एक्चुअली मैंने इन्हें कल पूछा कि हु इज द लकी वन, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि कौन है। तो इन्होंने कहा सर आई एम द लकी वन। आई सेड वाह, दिस इज सो हार्टवार्मिंग। चलिए, ये तो हुई शादी की बातें, अब तांडव की बात करते हैं। तांडव यानी छोटे पर्दे के तांडव की बात करते हैं। अली अब्बास जफर के लाइफ या हिमांशु मेहरा के लाइफ के तांडव ना हो उसका कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन तांडव द वेब सीरीज की बात करते हैं। अली, आपसे मैं शुरू करता हूं। बड़े पर्दे की बड़ी फिल्में आप बनाते हैं, उसके बाद आपने वेब सीरीज बनाने की कैसे सोची, ये किसकी सोच थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट वेब के लिए ठीक है, फिल्म के लिए ठीक नहीं है? बिकॉज ट्रेलर देख के मुझे ऐसे लगता है कि ये तो एक फिल्म ही लग रही है। सर देखिए, सुल्तान के वक्त और सुल्तान से थोड़ा सा पहले जब बाय फिनिश गुंडे, तो हिमांशु और मैं उस टाइम मिले, हमने बहुत सारे एड साथ में किए और then we formed a company together, we started working together and I started bouncing ideas with Himanshu. और एक जो core idea of Tandav came before Sultan to me and then Sultan हो गई, Tiger हो गई, Bharat हो गई, इस दौरान we kept scripting it, लेकिन somewhere after Sultan एक clarity हमें आ गई थी कि the vision of this whole creative content was a very big scale creative content, but the story couldn't be contained in 2.5 hours. Okay, तो या तो हम इसको sequels में बनाते, like a Lord of the Rings, के तीन part में है, चार part में है, या फिर we make it as a Game of Thrones, there are seasons after seasons and the characters become more richer, new characters get added, और roughly कहीं ना कहीं जब इसकी स्टोरी बीट्स में हमने क्रैक करी, वी डिड नॉट ओनली क्रैक द फर्स्ट सीजन बीट, वी क्रैक एटलीस्ट 3-4 सीजंस बीट, सो दैट वी नो द आर्क्स ऑफ, यस, सो वी नो द आर्क्स ऑफ द कैरेक्टर। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम सुल्तान रिलीज्ड, लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट बिकेम अ बिग फिल्म एंड हिमांशु एंड आई वेंट टू अमेज़न बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अमेज़न केम इन एंड दे वर वी वर रीडिंग अबाउट द कंटेंट दैट दे वर डूइंग and we went with this story to Amazon. And the bizarre thing is Amazon had no idea who me and Himanshu were at that point of time. Because anyway, so Aparna, who's their creative content head, really, really liked the story. But my only one thing with Himanshu and Aparna was that we are not doing this on an OTT platform because we feel it will lend itself to X number of seasons. मतलब इसके 4-5-6 seasons होंगे। इसका vision बहुत बड़ा है क्योंकि जैसे ही आप इतनी बड़ी चीज की बात करते हैं, और वेस्ट में भी आप अगर शोज देखें, बड़े बड़े डायरेक्टर्स वेस्ट के, माइकल बे हो, स्कॉर्सेज़ी हो, मतलब वो सब वेब स्पेस में जब आके काम करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि यार जब वो बड़े पर्दे की पिक्चरें बना रहे हैं तो विजन अलग है और जब वेब में बना रहे हैं तो विजन अलग है। विजन जो होता है वो एक कहानी से होता है। अगर आप कहानी उस दायरे की बनाएंगे जिसका विजन बहुत बड़ा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी माउंटिंग में, आपके किरदारों में, आपकी स्टोरी टेलिंग में आना चाहिए। सो वी वर वेरी क्लियर दैट लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली सेंट मी अ मैसेज आफ्टर लुकिंग एट द ट्रेलर कि यार ये तो पिक्चर लग रही है, लाइक हाउ यू सेड।
So I said, yeah, I personally think that maybe the vision that we wanted to make this show has gone forward, because the idea was not to compromise on the production value, not to compromise on the star cast, not to compromise on the technical team. You know, the team that I've used to make Bharat Sultan and Tiger is the same team executing it. So we went with that idea forward. Rest Himanshu will talk to you because he's the producer, I'm just the creative person. But that is where. So, and he keeps telling me, bhai, bada mehenga mehenga director hai, bada mehenga director hai. That is his line to everyone. But बड़ा महंगा है और अंडर हिज ब्रेथ वो साथ में ये भी बोलता है बड़ा बढ़िया डायरेक्टर है, बड़ा सुपर हिट डायरेक्टर है, वो खाली मुझे सुनाई देता है. बस तो थैंक यू. बट ये हमारी जर्नी रही है तांडव को लेके. ऑल्सो आई जस्ट फील एज अ नेम इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेम, यू नो. ऑफ कोर्स बहुत बहुत वजनदार टाइटल है आपका. हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एड फिल्म्स भी बनाते हैं जो 2 और 3 मिनट की फिल्में होती है, फिल्म बनाते हैं जो फीचर लेंथ की होती है 2 घंटे 2.25 घंटे 2.5 घंटे, और अब सीरीज जिसमें 3 और 4 और 5 सीजन्स की बात होती है, यानी पूरा स्पेक्ट्रम आप लोगों ने कवर कर लिया है इतनी शॉर्ट जर्नी, अब तक की इतनी शॉर्ट जर्नी में. या सो अगेन मैं ना हाल ही में सबसे यही कहता जा रहा हूँ कि किसी भी पार्टनरशिप का नींव जो होता है, फाउंडेशन होता है क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड डिविजन ऑफ रोल. और मुझे लगता है अली और हमारे में ना वो बहुत बहुत क्लियर है. एंड लाइक आई सेड कि यू नो मैं अली कहता है मजाक में कि बट अली इज अ वेरी यू नो डोंट मीन इट एनी अदर वे, बट अली बड़ा पंजाबी प्रोड्यूसर है एट हार्ट. वी नॉट ओनली व्हाट इज ऑन स्क्रीन बट बिहाइंड द स्क्रीन ऑल्सो ही वॉन्ट्स दैट कम्फर्ट एंड रिलीफ फॉर द कास्ट एंड क्रू. आई जस्ट फील दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो सुपर्ब है कि यार जब अगर कास्ट और मेरा क्रू ना हिमांशु होटल में और इधर खुश रहेगा ना, तब आके ना अलग ही मजा आएगा. एंड वही होता है कि अगेन मैं मतलब ट्रिविया देता हूँ कि अली हमेशा प्लान करता है कुछ चीज फॉर एक्स डेज और वो एक्स माइनस 20% में ही खत्म होती है. और मुझे तो कहीं कहीं मरतबा नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना बेंच मार्किंग हो जाता है हमारे लिए कि सब बोलते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इतना जल्दी क्यों शूट करते हो. मुझे लगता है प्लानिंग और क्लैरिटी अली की बहुत सुप्रीम है. अनलाइक मतलब इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. एंड व्हेन यू हैव दैट एज अ प्रोड्यूसर, सो चाहे वो यू नो बड़े ही ओपन हार्ट है एकदम दिस थिंग कि यार सारे क्रू को ये कंफर्ट है, बट ही इज वेरी क्लियर. कभी भी मैं कोई प्रॉब्लम लेके गया हूँ चाहे लोकेशन या सोल्यूशन की, अली हैज अ वेरी इंस्टिंक्टिव इंस्टेंट आंसर, अ क्रिएटिव सोल्यूशन. और ये नहीं कि अरे वो एकदम मुझे यही चाहिए मुझे वही चाहिए. ही हैज हिज डेज वेर ही सेज कि यार ये जरूरी है, बट मुझे अच्छा क्या लगता है कि अली बहुत ही स्मार्टली दिस, ये ना एक्सपीरियंस वाली बात होती है कि अगर मुझे ये बात कहनी है तो मैं इसको ठीक है एक ऑल्टरनेट वे में कह दूंगा. आई थिंक जब ये फास्ट और एक ये लैंग्वेज जब सेट हो जाती है बिटवीन द टू मेकर्स एंड पार्टनर्स, गाड़ी बहुत फास्ट चलती है और अच्छे से स्मूथ चलती है. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छे से समझाया. अब मैं कास्टिंग की बात करूंगा. डिंपल कपाड़िया, सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर को हमने छोटे पर्दे पर टेलीविजन पर एज अ कॉमेडियन देखा है, लेकिन इस वेब सीरीज में उनका रोल एकदम ही अलग है. तो ये कास्टिंग किसकी सोच है, वर दे द फर्स्ट चॉइसेस, थोड़ा वो प्रोसेस हमें समझाइए. सुनील के साथ आई वर्क्ड ऑन भारत, सो आई विल स्टार्ट विद सुनील. आई जस्ट फील के एक तो अच्छी चीज क्या है वेब स्पेस की, कि आपके ऊपर एक बैगेज नहीं होता, ठीक है, कि आपको ओपनिंग लानी है, आपका म्यूजिक हिट होना चाहिए. मतलब तो वेब का क्या है कि कंटेंट राजा है, ठीक है. अब इसके अंदर कोई भी किरदार होगा, अगर आपका कंटेंट उससे बड़ा है तो वो सभी लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि सीधा आपके घर के आपके टीवी सेट पे आ रहा है. आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको कुछ ज्यादा पैसे देने नहीं. तो हिमांशु के साथ जब हम कास्टिंग डिस्कस कर रहे थे और मेरी बाकी क्रिएटिव टीम है, मैंने कहा देखो ऐसा है, लेट्स कास्ट पीपल टू देयर ट्रूएस्ट पोटेंशियल और कुछ नया करते हैं. तो सुनील भारत में भी उनका थोड़ा ड्रामेटिक रोल था, लेकिन इनहेरेंटली उनके कॉमिक गैग्स थे. तो मैंने सुनील को फोन किया, मैंने कहा एक किरदार है गुरपाल, ठीक है, वो तेरी बोन स्ट्रक्चर से, जो कि तेरी एक्टर एज अ बोन स्ट्रक्चर है, उससे बहुत अल्टरनेटिव है. और अच्छी बात क्या है ना कि सुनील बंबई कॉमेडियन बनने नहीं आया था,
that's a different additional advantage that he has a great comic timing and God has given him a lot of success as a comedian. But inherently, if you see him behind his whole facade of always cracking joke, he has a very good intense side to it. Okay. So I said, Sunil, we will cast you very opposite of what your persona is. Okay. I think he laughs two times in the series and that laugh one time is already in the trailer. Okay. मगर ये जब आपने उनको रोल ऑफर किया आप कन्विंस थे कि वो डिलीवर कर देंगे 100% 100% ये कन्विक्शन भारत से भारत के बाद हुआ यू नो सलमान और सुनील का एक सीन है जब सलमान अपनी बहन को ढूंढने वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते हैं तब्बू वाला जो चैप्टर है उसमें एक सीन है वेयर सलमान स्लैप सुनील ग्रोवर इट्स अ वेरी इंटेंस सीन वेयर ही सेज के तू तेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि तूने ना अपने बाप को ढूंढते ढूंढते जो सबसे पहले तेरे क्लोज लोग हैं ना तूने उन सबको दूर कर दिया सलमान स्लैप्स हिम एंड सेड हाउ आर यू टॉकिंग टू मी यू नो व्हेन ही डिड दिस सीन सलमान वेंट अप टू हिम एंड सेड कि सुनील यार यू शॉक्ड मी टुडे यू आर नॉट अ कॉमेडियन एंड आई फेल्ट एग्जैक्टली द सेम थिंग एंड ही स्टार्ट एंड यू नो हाउ सुनील इज अरे नहीं सर मैंने तो किया मैंने ऐसे किया एंड आई सेड दैट दिस मैन हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर इनसाइड हिम व्हिच इज डाइंग टू गेट एक्सपोज्ड अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ कॉमेडियन सो व्हेन आई नरेटेड हिम द रोल हिज आईज जस्ट बिकेम बिग एंड देन बिकेम स्मॉल एंड सेज डू यू ट्रस्ट मी आई सेड सुनील जस्ट क्लोज योर आईज एंड डू इट एंड आई एम टेलिंग यू व्हेन Amazon यू नो लाइक हाउ व्हेन वी क्रिएट द कंटेंट दे सी इट Aparna when came out of watching first two episode he just came obviously Sunil Tim, you know Sev Temple other ensemble cast Tishmanshu but one name she came out with was yaar what is Sunil Grover doing in the show you know and somewhere or the other I think that is what makes me happy because when you do different kind of creative content but one content which people say yaar ye nayi cheez hai you know Like Sam, we cast it to his potential. He looks like a true blue blood person. But I said that, you know, what I like about Sam is in his popular work is race. When he works in race and in Langla Tyagi, in Omkara, you know, diametrically opposite. But when he plays this borderline gray character and the intensity that he does and credible commercial line that he creates, I said I will cast him to his true potential and push him into the darker side. So that was here. So जब डिंपल जी से बात हुई उस टाइम हमें ये तो पता चल गया था कि वो क्रिस्टोफर नोलन के साथ टेनेट कर रही हैं तो मैं हिमांशु से बोल रहा था देखो मैम अब हॉलीवुड जा चुकी हैं अब पता नहीं हमारा सीरीज के लिए हाँ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी बट यू नो व्हेन शी हर्ड द कैरेक्टर एंड सॉ द आर्क ऑफ द कैरेक्टर ऑफ यू नो हर यू नो हर होल कैरेक्टर शी जस्ट फेल्ट this was something that she's never done. I somehow feel, you know, it's a very bizarre thing. But I also feel that a lot of actors like to play this borderline gray characters. You know, ये हिंदुस्तानी सिनेमा की एक अजीब बात है कि जब आप अगर हीरो की तरह लॉन्च होते हैं हीरोइन की तरह लॉन्च होते हैं तो पूरी जिंदगी आप हीरो हीरोइन ही रहते हैं टाइपकास्ट होके रह जाते हैं टाइप जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप अच्छे माँ बाप बन जाते हैं you know, so yes. I just feel जब भी आपको एक you know her character's name is Anuradha, so जब भी आपको एक हल्का सा grey zone दिखता है, तो somewhere or the other we all relate to it in a very different way because as humans sometimes we are not always right, you know. There is a grey side to every one of us, and somewhere when she heard that character and she felt and she's very very strong in the series. Means like every arc is very strong, but Anuradha's character is very, very strong, very author-backed. And I'm very happy the way she's done. She's very restrained, very subtle. Yet, you know, this whole idea of that you are gray, but yet people are supporting you. You know, yet people are rooting Correct. For you. So somewhere or the other, that's the balance of the series. And apart from that, Tigmanshu, Kumud Mishra, Zeeshan, I think I'm very fortunate to have a cast like this. अगर हम उनके बारे में बोलेंगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा बट यस आई थिंक वी हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ कास्ट लाइक दिस और पता है ये जब स्ट्रीमिंग शुरू होगी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक्टर्स
ये कहेंगे कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एक्टेड इन दिस वेब सीरीज. तो आई थिंक द फीलिंग्स आर म्यूचुअल. हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप फिल्म बनाते हैं, वो फ्राइडे जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है, उस फ्राइडे के टेंशन के तो क्या कहने, आई मीन टेंशन से दिमाग काम नहीं करता है, आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, फर्स्ट शो कलेक्शन, इधर ओपनिंग कैसी लगी, वहां कैसी लगी. अब वेब सीरीज जब लॉन्च होने वाली है या स्ट्रीम होने वाली है, उस दिन क्या सिमिलर इमोशंस होंगे या कितना फर्क होगा? वेल, यू नो, किसी भी, मुझे लगता है किसी भी निर्माता निर्देशक के लिए एक, यू नो, ये कहना कि ये चीज़ हमने थिएट्रिकल के लिए बनाई है और ये चीज़ हमने ओटीटी के लिए बनाई है, तो यू नो, हमारा रिएक्शन डिफरेंट होगा, मुझे लगता है वो जायज़ नहीं होगा. क्योंकि सिंपल सी बात है, आखिरकार बच्चा हमारा है, हमने उसको बढ़ते हुए देखा है, और मुझे लगता है, मुझे नहीं, अली को भी उतनी वो अंदर से एक एक्साइटमेंट, मुझे तो ऑलरेडी हो रही है, तो शादी के बीच में तांडव के बारे में सोच रहा था. एक चीज बताऊं आपको कोमल सर, किसी को नहीं पता था मैं शादी कर रहा हूँ. मैं निकाह में बैठा था, मेरे दोनों तरफ मौलाना बैठे होते हैं, एक गर्ल साइड से होते हैं, एक बॉय साइड से होते हैं, एंड सैफ वॉज कॉलिंग मी बिकॉज अगले दिन ट्रेलर आ रहा था, ठीक है, और मैं सेरे के नीचे से ऐसे सैफ का फोन देख रहा था, और मौलाना ने भी सैफ का नाम पढ़ा, सैफ अली खान, तो वो मुझे बोल रहे हैं उठा लो कोई बात. तो मैं कह रहा हूँ नहीं, आज मैं हीरो हूं, आज मैं किसी स्टार का फोन नहीं उठाऊंगा. गुड वन, गुड वन. मौलाना ने सोचा होगा कि मेरी भी सेल्फी निकल जाए अगर फेस कर रहे हैं. वो कह रहे हैं भाई इतना जरूरी फोन आ रहा है, तुम्हारा शो आ रहा है, कुछ होगा, इंपॉर्टेंट होगा. मैंने कहा नहीं मौलाना, ठीक है, आप निकाह पढ़ाइए. करेक्ट, एक्साइटमेंट और प्रेशर मुझे लगता है सेम है. जब तक ये पब्लिक डोमेन में पब्लिकली कम्युनिकेट नहीं हो जाती, आपको आपको दर्शकों को, प्लेटफॉर्म को, सबको एक सरा, मतलब एक एक्सेप्टेंस नहीं आ जाता, तब तक किसी भी मेकर के लिए मुझे लगता है सेम एंग्जाइटी, तो थोड़ा बड़ा वर्ड है, बट सेम तरह के एक वो मन में एक वो रहता है कि इट शुड बी, हमने ही हमारे लिए नहीं बनाया, हमने सबके लिए बनाया, तो वी वॉन्ट कि जितना इसको एक्सेप्टेंस मिले, जितना ये प्लेटफॉर्म पे रीच मिले, और हमारे मेकर्स, हमारे पार्टनर्स इसमें खुश रहें, एक्टर्स जिन्होंने काम किया है दे फील एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट कि यार हमने बहुत ही अली को ट्रस्ट किया, इतने सारे भीड़ में भी हम आए और किया, तो मुझे, हमें लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन इफ नॉट लेस और मोर, इट्स एज गुड एज इक्वल कि ये है. एंड आई जस्ट फील दैट किसी भी मेकर का फाइनल एक्सेप्टेंस ये होता है कि यूनानिमसली हर जगह उनको ये मिले, एक्सेप्टेंस मिले कि यस, this is worth watching, this is good, we got entertained and engaged. Also, I just want to add one thing to it, Komal sir, I felt that, I to sum up in the name of the another most popular thing in India, jo hai cricket, Hindustan mein cinema chalta hai, cricket chalta hai, aur rajneeti chalti hai, ye teen cheeze chalti hai. To mujhe kya lagta hai, ke OTT platform jo hai, wo entertainment industry ka test cricket hai. क्योंकि अच्छा, दो घंटे के अंदर आप जब पिक्चर बनाते हैं तो आप एक 50-50 ओवर का मैच खेल रहे होते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है कि 300 रन मारे 350 रन मारे. आपको जब एक 9 घंटे की कहानी होल्ड करनी है और उस कहानी को आपको अपने किरदारों के साथ, अपने क्राफ्ट के साथ सस्टेन करना है कि अगर ऑडियंस ने एक बार शो शुरू किया और उसको फिर वो उसने 9 घंटे तक देखा, चाहे एक दिन में देखे, दो दिन में देखे या 9 दिन में देखे, उसकी जो वैल्यू है कहीं ना कहीं मैं सबसे ज्यादा उस चीज को लेके नर्वस हूं कि क्या मेरे अंदर वो कुव्वत है, वो ताकत है कि मैं अपने किरदारों को अभी तक 2-2.5 घंटे तक सिनेमा हॉल्स में रोक सकता हूँ, क्या 9 घंटे तक मेरे ऑडियंस, जो हमारी ऑडियंस इसके लिए बनाए, वो रुक पाएंगे. इसीलिए विजन हमारा यही था कि कहीं ना कहीं एक तांडव को देखने के बाद लोग बोलें कि OTT ऐसा भी बन सकता है. द होल आइडिया ऑफ OTT शुड नॉट बी कि अगर ये टीवी पे आ रहा है तो इसकी जो विजुअल अपील है या इसकी जो एक ऑडियंस जब किसी चीज को देखता है तो उसके अंदर जो दायरा होता है वो ये ना रहे कि यार, अच्छा, कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी ये बोले कि यार इसके लिए मैं बड़ा टीवी खरीदूं. Maybe I just see it on a little better resolution, like how international shows are. Correct. So, वो हमारी एक तरह की कोशिश है, भूख है.
And I think somewhere or the other, our effort is towards that, and the nervousness and anxiety is exactly the same. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से मैं जवाब चाहूंगा. जनरली फिल्मों के सीक्वल्स के बारे में जब हम सोचते हैं, तो एक फिल्म रिलीज होती है, अगर वो अच्छा करती है बिजनेस, तो हम सोचते हैं चलो इसका सीक्वल बन सकता है, कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है. लेकिन जैसा आपने कहा कि जब आपने इसका कॉन्सेप्ट सोचा एंड यू ऑल स्टार्टेड बिल्डिंग द कैरेक्टर्स, ये सोच के कि सीजन टू, सीजन थ्री, सीजन फोर, ताकि वो कुछ भी गलत नहीं लगे कि सीजन वन में ऐसे दिखाया, सीजन फोर में ऐसे दिखाया, तो ये अंतर, इतना बड़ा अंतर है फिल्म के सीक्वल में और वेब सीरीज के सीजन्स में, तो ये कैसे सोच आती है? देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है आपके किरदारों के ऊपर और आपकी स्क्रीन प्ले राइटिंग के ऊपर. यू नो, जो मेरी सबसे बड़ी भूख, मतलब जो सीख रही है इसको लेके, कि जब आप एक वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, आप कभी भी किसी भी किरदार को या किसी भी सीन को पूरी तरह कल्मिनेट नहीं करते हैं. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं आपको सीन वहां ले जाके छोड़ना पड़ता है जहां आदमी बोले यार मुझे पता करना है कि आगे क्या होगा. आगे, ठीक है. और कहीं हमें इस चीज को जानने में बहुत टाइम लगा. मतलब हमने 1.5-2 साल इस सीजन की स्क्रिप्टिंग करी है. गौरव सोलंकी राइटर है हमारे, और भी बाकी राइटर्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, मैं इन्वॉल्व हुआ, क्रिएटिव टीम इन्वॉल्व हुई. तो और ऐसे ही सीजन टू है, ऐसे ही सीजन थ्री है. लेकिन अगर आपने कोई भी ट्रैक को कल्मिनेट कर दिया, तो ऑडियंस का इंटरेस्ट वहां पर आकर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपने उनका जो एक इंटेलिजेंस चल रहा है कि यार वी वांट टू नो नेक्स्ट एपिसोड क्या है, थर्ड एपिसोड क्या है, वो वहां बंद हो जाता है. तो हमारी सीख ये रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कल्मिनेशन है उसको इतनी ऊपर ले जाके छोड़ा जाए कि आदमी बोले यार एकदम से एपिसोड 3 लगाओ, एकदम से एपिसोड 4 लगाओ, एकदम से एपिसोड 5 लगाओ, आई वॉन्ट टू सी मोर. So that has been the learning, and that is what the craft that I, that is why I'm saying test cricket you play for 5 days, so you can't burn yourself in the first 20 overs. You have to say I have to bat this entire day. So that is basically our major learning in this whole process. Himanshu, आप कुछ add करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शुरू से, because Ali का इतना clear था vision on the world that he is creating, because you know Ali has lived that. तो मैंने ये नोटिस किया कि व्हेन ही वाज यू नो लीडिंग द राइटर्स रूम एंड विद गौरव ऑल द डिस्कशन, जो अंग्रेजी में शब्द है क्लिफ हैंगर, मतलब हर एपिसोड जहां आया ऐसे एंड हो, एंड द होल फॉर्मेट जो ओटीटी वर्ल्ड का फॉर्मेट है बिंज, मतलब इसमें आप पॉपकॉर्न खाने बैठे तो पूरा पॉपकॉर्न खाएंगे, तो ये बिंज फॉर्मेट वर्दी होना चाहिए. तो राइटिंग में इसको बहुत ध्यान रखा गया था. Credit also goes to Aparna and her team, who were really very, critical, interactive and critical. And Ali and Gaurav were also very open to say ki, we are not married to this all, because कहीं ना कहीं आपको उनका एक experience, जो इतने shows उन्होंने create किए, उनका एक matrix का experience है, वो use करके वो उसको घोल के अच्छे से बिलाना होता है long format में. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों तरह से एक, जब एक नोट हिट करता है फिर ही वो चीज आगे बढ़ती है. तो यस, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट वे टू राइट एंड अप्रोच अ लॉन्ग सीरीज ओटीटी अमेज़न ओरिजिनल, और उस पे चेक बॉक्स लगा है, ये हमारा मानना है. बाकी अब जनता डिसाइड करेगी 15 जनवरी को. बिल्कुल बिल्कुल. अली एंड हिमांशु, मैंने भी जनता की तरह ट्रेलर ही देखा है, लेकिन दिल से, अंदर से आवाज आ रही है कि तांडव छोटे पर्दे का, यानी Amazon प्राइम वीडियो का सुल्तान बन जाएगा, या फिर टाइगर जिंदा है बन जाएगा, बिकॉज इसमें वो सारी बातें नजर आ रही है जिससे ऑडियंस बिंज वॉचिंग के लिए एक्सपेक्ट करती है, जिससे ऑडियंस सीजन टू और सीजन थ्री और सीजन फोर के लिए बेसब्री से इंतजार करती है. वो सब बातें नजर आ रही है. कास्टिंग आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, मेकिंग सुपर्ब है, और कंटेंट तो आप दोनों हैं तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. यर्स विशिंग यू बोथ द वेरी बेस्ट, एंड योर राइटर गौरव सोलंकी, योर राइटिंग टीम, योर एक्टर्स सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अयूब एंड सारे आपके जो एक्टर्स हैं, उन सबके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस. Amazon प्राइम वीडियो इसी तरह फंटास्टिक वेब सीरीज, फंटास्टिक मेकिंग के साथ लेते आए, इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच कमल सर. थैंक यू. थैंक यू.